अलैकुम, ये आपका केमिस्ट्री का पीरियड है और हमने क्योंकि लास्ट डे हमने चैप्टर जो है 6 ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे और कुछ उसके क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम उसके एमसीक्यूज देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज। ठीक है, सबसे पहला एमसीक्यूज, मिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। मिस्ट एग्जांपल है सॉल्यूशन की। इसमें से करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट एमसीक्यूज का, वो आपके पास है ए, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, मिस्ट में क्योंकि लिक्विड होती है और उसके अंदर गैस पार्टिकल्स होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सेकेंड एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिक्विड इन सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें से कौन सी एग्जांपल है कि जिसमें हमारे पास लिक्विड होगा और उसके अंदर सॉलिड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, आपके पास सेकंड वाले का, वो है बटर। थर्ड वाला आपके पास है कंसंट्रेशन इज अ रेशियो ऑफ, कंसंट्रेशन रेशियो है। इसके लिए आपके पास किस चीज़ की कंसंट्रेशन रेशियो होती है, सॉल्यूट टू सॉल्यूशन, तो हमारे पास या सॉल्यूट टू सॉल्वेंट होता है। क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में सॉल्यूट टू सॉल्वेंट नहीं दिया, तो सी जो थर्ड वाला एमसीक्यूज है, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी, सॉल्यूट टू सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है आपके पास, फोर्थ वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कंटेन्स मोर वाटर, सबसे ज़्यादा पानी किस में होगा, 2 मोलर में पानी ज़्यादा या 1 मोलर में, 0.5 में। अगर हम देखें 0.5, तो इसका मतलब ये है 50% इसमें वाटर है और 50% सॉल्ट है। अगर हम ये वाला देखें जिसकी मोलारिटी सबसे कम होगी उसमें वाटर उतना ही ज़्यादा होगा, तो जो फोर्थ वाला है उसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास जी, 0.5 मोलर। फिफ्थ है आपके पास एमसीक्यूज, अब 5% W/W शुगर सॉल्यूशन मींस डैट, W/W क्या था, मैस बाय मैस, जो हमने परसेंटेज वाले यूनिट्स का किया था। इसका क्या मतलब है, इसका क्योंकि सेम यूनिट्स है तो ओवरऑल 100 होना चाहिए। तो जो कम हम शुगर है हमारे पास, शुगर इसका मतलब सॉल्यूट है, तो हमारे पास सॉल्यूट कितना होगा 5, और बाकी 100 में से 5 माइनस करें आपके पास बचेगा 95, तो 95 आपके पास वाटर होगा। तो फिफ्थ वाले का आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। नंबर 6 है, इफ द सॉल्यूट फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इनफ देन डूज ऑफ द सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस द सॉल्यूट डज नॉट डिसॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट का आपस में दोनों, सॉल्यूट के दोनों कंपोनेंट्स का आपस में होना, सेपरेट होना जरूरी है। इसी तरह सॉल्वेंट्स का आपस में जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में जो है सेपरेट होना जरूरी है, फिर ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो इंटरेक्शन होगी और वो एक दूसरे में डिसॉल्व होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 6 वाले का आपके पास करेक्ट ऑप्शन है बी। 7th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो निग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी। हमने उससे भी डिस्कस किए थे ये फैक्टर्स, टेम्परेचर का कौन कौन से इफेक्ट्स करते हैं सॉल्युबिलिटी को, तो उसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी भी था। इसमें आगे इसके 3 पॉइंट्स थे, तो वो उसने पूछा कौन सा साल्ट है जो कि इफेक्ट नहीं करता टेम्परेचर पर, उस डिपेंड नहीं करता, मीन्स कि वो आप कोई भी टेम्परेचर हो वो डिजोल्व हो जाता है, तो वो NaCl है, कॉमन साल्ट। 7 वाले का आंसर है आपके पास डी, कॉमन साल्ट। नेक्स्ट आपके पास 8 वाला, ठीक है, 8 MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस क्या है, जिसे आप इजीली उसके कंपोनेंट्स को देख सकते हैं वो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, ये एक सीरप है, इसमें हमारे एसिडिटी के लिए, स्टमक एसिडिटी हो तो उसको, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपके पास सीरप है वो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन में पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपने सिरप पीना हो तो उसको अच्छी तरह शेक कर लें, स्टिरर कर लें, फिर बाद में उसको यूज़ करें। नेक्स्ट आपके पास 9th वाला, टेंडल इफेक्ट इज शोन बाय, 9 वाले है आपके पास, इसमें टेंडल इफेक्ट शोन बाय जेली। जेली क्या है आपके पास, कोलाइड है, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। बाकी जो है पेंट आपके पास सस्पेंशन है, चौक भी आपके पास, चौक आपके पास जो है वो सॉल्यूशन है, शुगर जो है वो भी आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन जो है टेंडल इफेक्ट शोन नहीं करते, जस्ट कोलाइड्स करते हैं, और जो जेली है ये कोलाइड्स की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपके पास 10 वाला, टेंडल इफेक्ट इज ड्यू टू, टेंडल का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट। तो इसका मतलब ये है जो 10 वाला है इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट है आपके पास 10 हो गया, आपके पास नेक्स्ट है 11, इफ 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या है, वॉल्यूम है, अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम, ये मैस है, व्हाट इट इज कॉल्ड, वॉल्यूम बाय मैस या वॉल्यूम बाय डब्ल्यू, वॉल्यूम बाय डब्ल्यू होगा। तो इसका मतलब 11 वाले का आपके पास ऑप्शन है सी।
ठीक है। नेक्स्ट है 12, इवन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डिल्यूटेड इट टर्न्स इनटू, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने डिल्यूट कर दिया है, आई मीन हमने उसको पतला कर दिया, उसमें वाटर ऐड कर दिया, तो वो आपके पास बन जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो 12 वाले का आंसर है आपके पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और वो क्या है, ऑप्शन उसका है डी, ठीक है। 13 है आपके पास, नेक्स्ट आपके पास 13 क्या है, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, मोलैरिटी क्या था, मैंने बताया था मोलैरिटी हमारे पास 12 यूनिट है, तो इसका मतलब था 1 dm³ ऑफ सॉल्वेंट। तो 13 का आंसर आपके पास है सी। यहाँ तक था आपके पास MCQs, नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आपके पास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई सस्पेंशन सॉल्यूशन डू नॉट शो टेंडल इफेक्ट व्हाइल कोलाइड टेंडल इफेक्ट शो करते हैं, जबकि सॉल्यूशन सस्पेंशन नहीं करते, आपने इसका आंसर बताना है। पेज नंबर 108 पर इसका आंसर है आपके पास ये वाला, यहाँ से पार्टिकल आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट स्कैटर द रेज ऑफ लाइट, दस डी डू नॉट शो द टेंडल इफेक्ट। यहाँ पर आप लिखेंगे पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, पार्टिकल्स आप लिखेंगे ऑफ कोलाइड्स, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, यहाँ तक आप लिखेंगे। इसमें उसने क्या बताया, उसने बता दिया है कि इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं सॉल्यूशन के, और कोलाइड्स जो है वो इजीली टेंडल इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स मीडियम साइज के होते हैं, इसके बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, इसलिए वो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। ये हम बात कर रहे थे 17 अप्रैल के लेक्चर के। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ तक था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, कि इनमें क्या रीज़न है, जिसकी क्या डिफरेंस क्या है, डिफरेंस की वजह क्या है सॉल्यूशन कोलाइड्स और सस्पेंशन में। इसमें आपने जो आंसर है वो ये लिखना है कि जो इसके साइज पार्टिकल्स हैं, आप इसमें ये वाला करेंगे, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट सीन विद नेकेड आई, और इसमें पार्टिकल्स आर लार्ज बट कांट बी सीन with naked eye, उसके बाद particles are big enough to be seen with naked eye। एक एक आपने इसका पॉइंट ये वाला करना है, और एक एक पॉइंट आपने इसका ये वाला करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर आपके पास 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, व्हाई द सस्पेंशन डज नॉट फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर क्यों नहीं बनाता है। इसका आंसर भी आपको पेज नंबर 108 में है। इसका आंसर क्या है, ये वाले सस्पेंशन वाला, क्योंकि उसने जस्ट सस्पेंशन का पूछा है, सस्पेंशन वाला जो है इसका थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 का इतना आंसर आपके पास होगा, ठीक है। इसमें उसने क्या बताया, उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि जो सस्पेंशन है वो क्यों सस्पेंशन क्यों होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता, क्योंकि एक तो ये कि उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, दूसरा ये इतने ज़्यादा बड़े होने की वजह से सॉल्यूट पार्टिकल फिल्टर पेपर में से नहीं गुजरते, तीसरा ये इतने ज़्यादा बड़े होने की वजह से वो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं और टंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन यह था क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू टेस्ट वेदर गिवन सॉल्यूशन इज़ अ कोलाइड सॉल्यूशन और नॉट, क्या आपने बताना है कि जो भी आपको सॉल्यूशन गिवन दिया गया है वो कोलाइडल है या नहीं है। इसका आंसर मैं आपको राइट करवा रही हूँ, कॉपी पर आप साथ साथ नोट करते जाएँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था, उन्होंने कहा था कि आप कैसे बता सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो आपके पास कोलाइड है या आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है, तो इसका आंसर साथ साथ लिखते जाएं, व्हेन वी पास लाइट, व्हेन वी पास लाइट इन इन द सॉल्यूशन इफ द given solution scattered the light then it is collider solution, otherwise not, ठीक है। अगर तो हम लाइट पास करेंगे, अगर उसकी लाइट जो है वो स्कैटर होगी, मीन्स ये कि ये हमने लाइट पास किया और उसकी लाइट जो है वो यूँ होगी, तो वो कोलाइडल होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो आपके पास सॉल्यूशन या सस्पेंशन होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडर सॉल्यूशन। आपने इसमें से बताना है ट्रू सॉल्यूशन कौन सा और कोलाइडर सॉल्यूशन कौन सा है। जो ब्लड है ये आपके पास कोलाइडल है, क्यों? क्योंकि ये टेंडल पे शो करता है। स्टार सॉल्यूशन भी आपके पास कोलाइडल है क्योंकि ये भी जो है वो टेंडल इफेक्ट शो करता है। ग्लूकोज सॉल्यूशन भी आपके पास जो है वो कोलाइडर सॉल्यूशन है। इसका आंसर भी मैं आपकी कॉपी पर राइट कर देती हूँ 5th वाले में, ठीक है। 5th का आंसर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। आंसर ये था क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ तक 4। 5th में सबसे पहला जो है वो आपके पास है ब्लड, तो वो आपके पास है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल, ठीक है। देन है स्टार्च, वो भी आपके पास है कोलाइडल। उसके बाद स्टार्च के बाद है ग्लूकोज, वो भी आपके पास कोलाइडल, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टूथपेस्ट, वो आपके पास है ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद कॉपर सल्फेट, वो भी आपके पास ट्रू सॉल्यूशन। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट है, वो भी आपके पास ट्रू सॉल्यूशन। इसमें से जस्ट आपने बताना था कि वो क्लाइडल है या ट्रू है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डू वी यूज, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डू वी स्टिर पेंट थॉरली बिफोर यूजिंग। इस्तेमाल करने से पहले हम पेंट को क्यों अच्छी तरह से जो है वो स्टिर करते हैं, हलाते हैं, मिक्स करते हैं। इसका आंसर भी आपकी कॉपी पर है, आप लोग वो नोट कर लें। उन्होंने पूछा ये था कि हम जो पेंट है उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करने से पहले क्यों हिलाते हैं, तो इसका आंसर लिखें व्हेन वी यूज पेंट वी स्टिर इट थॉरली, अच्छी तरह से, बिकॉज अच्छी तरह से हम उसको मिक्स करते हैं, क्यों? बिकॉज सस्पेंशन is a homogeneous mixture, क्योंकि जो हमारे पास सस्पेंशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, पेंट हमारे पास सस्पेंशन है। dear particle size big enough that can be seen with naked eye and they settle down That can be seen with naked eye, they settle down after some time, वो कुछ देर बाद बैठ जाएंगे। As a result, the settle down particles will suspended again in a mixture and will be easy to use, ठीक है। यहाँ तक था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। यहाँ तक की आज की आपकी डायरी थी MCQs प्लस क्वेश्चन नंबर 1-6 एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ तक आज की आपकी डायरी थी। उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन, आप इजीली मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।